नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपके आस पड़ोस में या फिर आपके घर में किसी को कोई सांप खा ले, वैसे तो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यदि ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो ऐसे टाइम आपको क्या करना है, इसके 10 दोस्तों आपको घरेलू उपाय मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला दोस्तों, किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे सीधा लिटा देना है और बिना विलंब किए जल्द से जल्द जितना हो सके उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास आपको करना है। दूसरा, सांप को अच्छी तरह से देखें और पहचानें, ऐसी कोशिश करें कि ताकि सांप का हुलिया बताने से चिकित्सक को इलाज करने में मदद मिले, ठीक है, घोड़ा पछाड़ था, काला था, ऐसे। तीसरा, मरीज को शांत रखने की कोशिश करें, मरीज जितना उत्तेजित रहेगा उसका रक्तचाप भी उतना ही गति से बढ़ेगा और फिर सांप का जो जहर है उसे अंदर पूरे शरीर में फैलने में दोस्तों ज़्यादा देर नहीं लगेगी यदि ऐसा हुआ तो। अगला, चौथा नंबर, पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर से सारी चीज़ें जैसे घड़ी, कड़ा, कंगन, अंगूठी, पायल, चैन व जूते चप्पल आदि सभी चीज़ें उतार दें। पांचवा, व्यक्ति को बेहोश नहीं होने दें, अगर वह बेहोशी की हालत में भी हो तो उसकी सांसों पर ध्यान रखें और गर्माहट प्रदान करने का पूरा प्रयास करें। नंबर छठा, पीड़ित को सीधा ही लिटा कर रखें, अन्यथा शरीर में हलचल होने से जहर फैल सकता है। अगला, यदि हाथों में सांप ने हाथों में काटा है तो उसे नीचे की ओर लिटा कर रखें ताकि जहर दिल तक पहुंचने में वक्त लगे, ठीक है। यदि पैरों में काटा है तो पलंग पर इस तरह लिटाएं ताकि मरीज के पैर नीचे लटके रहें, ठीक है। सर्प दंत के स्थान को पोटेशियम पर मैग्नेट या लाल दवा के पानी अथवा साबुन से धोना आपको चाहिए। जहाँ पर सांप ने काटा है तो आप दोस्तों उसे धो भी सकते हैं लाल दवा से, या फिर आप पोटेशियम पर मैग्नेट से भी धो सकते हैं। सर्प दंत के स्थान पर दोस्तों 2 इंच ऊपर कपड़े की पट्टी अथवा रस्सी बांध दें, पट्टी लगभग 1 इंच चौड़ी होनी चाहिए, साथ ही दंत के मतलब जो काटा है उसके दंत के 20 मिनट के अंदर बांधी जानी चाहिए, वरना ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नंबर 10, पट्टी इतना टाइट भी नहीं बांधना चाहिए जिससे खून का प्रवाह पूरी तरह बंद हो जाए, जिससे ज़्यादा क्षेत्र में पट्टी बांधेंगे उतना ही फायदा होगा। जितने ज़्यादा आप, अगर सांप ने खाया है तो 3 से 4 जगह पट्टी बांध दीजिए, पैर में अगर खाया है दिल तक मतलब जो जहर है वो पहुंचने ना पाए किसी भी हालत में। धड़ को पट्टियों से दोस्तों लपेटा जा सकता है, आप कितनी ही पट्टियां लपेट सकते हैं बस दिल तक जहर नहीं पहुँच रहे, ठीक है। तो 10 आपको दोस्तों घरेलू उपाय बताए हैं, ये सबसे पहले आपको करने हैं, बाद बाकी तो फिर आपके डॉक्टर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।